हेलो स्टूडेंट, आई एम तमन्ना फ्रॉम विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल भूना। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल इन योर होम्स। एज यू नो, COVID-19 डिस्टर्ब द नॉर्मल लाइफस्टाइल ऑफ पीपल एंड ऑल्सो अफेक्ट द स्टडी ऑफ द स्टूडेंट। सो स्कूल हैज बीन चेंज देयर वर्चुअल क्लासरूम इनटू ऑनलाइन क्लासरूम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर ऑनलाइन क्लास टूडे। दिस इज योर साइंस क्लास, क्लास 8 साइंस, चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। एज यू नो, फूड इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ। मीन्स वी गेट फूड टू गेट एनर्जी एंड परफॉर्म आवर डेली एक्टिविटी। मीन्स हमें क्या है, फूड की जरूरत होती है हमारी डेली एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अगर फूड नहीं होगा तो हम अपने डेली एक्टिविटीज, डेली के जो भी वर्क है हमारे, वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अब हम फूड जो है वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम वेयर वी गेट फूड? प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल से हम फूड प्राप्त करते हैं। बट प्लांट से जो हम फूड प्राप्त करते हैं, हमें क्या है, बहुत सारे फूड की नीड होती है। एक प्लांट से तो बहुत सारा फूड नहीं मिल सकता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेम काइंड के प्लांट्स एक फील्ड में लगा देते हैं, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि क्रॉप की प्रोडक्शन कैसे होती है और उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ओके, फर्स्टली वी विल सी व्हाट इज क्रॉप्स। व्हेन वी ग्रो सेम काइंड ऑफ प्लांट इन अ लार्ज प्लेस, जब हम क्या है सेम टाइप के प्लांट जो है एक लार्ज प्लेस पे ग्रोन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। लेट्स वी मूव ऑन एग्रीकल्चर। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। मीन्स साइंस की ऐसी ब्रांच जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन के साथ डील करती है, या फिर एनिमल्स के साथ। मीन्स एनिमल को हम किस तरह से रियर कर सकते हैं, तो उससे डील करती है, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। मीन्स जो प्लांट और एनिमल से रिलेट है। नेक्स्ट इज क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉप्स की डेफिनेशन 1 मिनट पहले ही बताई है। आई रिपीट, व्हाट इज क्रॉप्स? व्हेन वी ग्रो सेम काइंड ऑफ प्लांट इन अ लार्ज प्लेस, जब हम क्या है सेम काइंड के प्लांट एक लार्ज प्लेस पे ग्रो करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। अब क्रॉप प्रोड्यूस क्या है? अब क्रॉप से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी, मीन्स द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉप्स, दैट इज कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस। अब क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, मीन्स वो क्रॉप है किस टाइप की है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ क्रॉप्स। अब टाइप ऑफ क्रॉप्स क्या क्या है और उससे मिलने वाला क्रॉप प्रोड्यूस हमें क्या मिलेगा। फर्स्ट इज टाइप ऑफ क्रॉप पल्सिस। अब पल्सिस हैं, जैसे पल्सिस से हमें क्या मिलेगा, कौन कौन सी होती हैं पल्सिस। अगर हमने पल्सिस की क्रॉप ग्रो की है, तो उससे मिलने वाला क्रॉप प्रोड्यूस होगा ग्राम, पी, बीन, मूंग। वो तो जिस टाइप की हम क्रॉप ग्रो करेंगे, उसी टाइप का हमें क्रॉप प्रोड्यूस मिलेगा। सपोज वी ग्रो द ग्राम पल्सिस, देन क्रॉप प्रोड्यूसेस ग्राम। इफ वी ग्रो द मूंग, देन द क्रॉप प्रोड्यूसेस मूंग। नेक्स्ट वेजिटेबल, इफ वी ग्रो द वेजिटेबल, देन द क्रॉप प्रोड्यूसेस वेजिटेबल, लाइक पोटैटो, अनियंस, ब्रिंजल, लेडी फिंगर। मीन्स जो भी क्रॉप हम ग्रो करेंगे, उस वही हमें क्या मिलेगा, क्रॉप प्रोड्यूस के रूप में मिलेगा। नेक्स्ट इज फ्रूट। फ्रूट अगर हम ग्रो करेंगे, तो उससे मिलने वाला क्रॉप प्रोड्यूस भी क्या होगा, सपोज अगर हमने मैंगो का फ्रूट ग्रो किया है, तो उससे मिलने वाला क्रॉप प्रोड्यूस क्या होगा, मैंगो। तो इस तरह से बहुत सारे टाइप ऑफ क्रॉप हैं और उससे मिलने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस हैं। लेट्स वी मूव ऑन हॉर्टिकल्चर। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मीन साइंस की ऐसी ब्रांच है जो वेजिटेबल और फ्रूट के साथ डील करती है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ क्रॉप्स।
अब देखिए इंडिया में क्या है, मॉनसून अलग अलग टाइप का होता है, मीन्स ईयर के डिफरेंट पार्ट में जो सीजन है वो डिफरेंट टाइप का होगा। तो उसी पे बेस्ड यहाँ पर टू टाइप ऑफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स। वट आर खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप क्या है? ऐसी क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, जिसे हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, वो क्रॉप क्या है? खरीफ क्रॉप है। एग्जाम्पल क्या है इसका? राइस। ओके, राइस इज द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट इज रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप कौन सी है? द क्रॉप दैट आर ग्रोन इन विंटर सीजन, मीन्स ऐसी क्रॉप जो हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? वीट, ग्राम, मस्टर्ड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप कौन सी हुई? विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, एग्जाम्पल राइस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। ओके, रबी क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन लाइक वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइन सीड। नाउ वी सी द टाइप ऑफ क्रॉप। अब हमने ये देख लिया कि टू टाइप ऑफ क्रॉप है, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप। ये भी देख लिया कि एग्रीकल्चर क्या होती है, जो क्रॉप्स के साथ रिलेट करती है, मीन्स प्लांट के साथ रिलेट करती है, साइंस की ऐसी ब्रांच है। अब हम ये देखते हैं कि अभी हमने क्रॉप को ग्रो करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, मीन्स उसके लिए हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कि अगर हमने किसी भी क्रॉप को ग्रो करना है तो उसका स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो वो सारे जो स्टेप हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मीन्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं वो ऐसी एक्टिविटीज हैं जो एक फार्मर क्रॉप को लगाने के लिए स्टार्टिंग से एंड तक करते हैं। मीन्स जब फील्ड पूरा वैकेंट है, मीन्स वहां पर सोयल है जस्ट और कुछ नहीं है, तो उस टाइम से लेकर लास्ट में क्रॉप प्रोड्यूस के मिलने तक फार्मर जिस भी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा वो सारी क्या है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो कौन कौन से स्टेप हैं? फर्स्ट इज प्रेपरेशन ऑफ सोयल, मीन्स सबसे पहले क्या करते हैं, सोयल को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। नेक्स्ट इज रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सोयल। नेक्स्ट इज इरिगेशन। नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग एंड लास्ट वन इज स्टोरेज। जब क्रॉप प्रोड्यूस ऑब्टेन हो गया उसके बाद हम क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं जो भी क्रॉप प्रोड्यूस ऑब्टेन होगा। तो ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है सेवन, ये क्या है? क्रॉप को लगाने से लेकर, मीन्स सीड को ग्रो करने से लेकर एंड क्रॉप प्रोड्यूस के फॉर्म होने तक जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये सब हैं। वी विल स्टडी द सेवन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन नेक्स्ट वीडियो। सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर टिल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।